नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज के ऑनलाइन अभ्यासक्रम में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के विषय हिंदी की, जिनकी छठी इकाई है भारत माता की जय। आज हम इस गद्य कृति का अभ्यास करने वाले हैं। तो जानते हैं कि यह जो गद्य है उनका साहित्य प्रकार है आत्मकथांश। आत्मकथा का एक छोटा अंश यानी आत्मकथांश, जिनको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम लेखक का थोड़ा परिचय देखेंगे और उनके बाद इस गद्य की समझूती प्राप्त करेंगे। जानते हैं लेखक का परिचय। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद शहर में हुआ था। तो उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे। जवाहरलाल की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी और उनके बाद स्वदेश आने के बाद वे गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। इस कार्य के लिए वे कई बार जेल भी गए। तो उनकी शक्ति, साहस एवं लोकप्रियता से आकर्षित होकर महात्मा गांधी ने उनमें पूर्ण विश्वास करते हुए उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो 15 अगस्त 1947 को भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और आजीवन उस पद पर बने रहे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। आज़ादी के बाद जब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर कुर्सी संभाली तो शिक्षा से लेकर औद्योगिक विकास जैसे तमाम मोर्चों पर उल्लेखनीय कार्य किया, जो एक तरीके से नींव को मजबूत करने जैसा था। हम उनके बारे में अधिक जानकारी देखें तो नेहरू जी को गुलाब का फूल बहुत ही पसंद था, जिसे वे अपनी शेरवानी में भी लगाकर रखते थे। तो उन्हें बच्चों से भी बहुत लगाव था। बच्चे इन्हें चाचा नेहरू से संबोधित करते थे। इसी प्रेम के कारण इनका जन्मदिन बाल दिन से मनाया जाता है। तो हम कहें कि विश्व शांति के प्रखर हिमायती नेहरू जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे कुशल राजनीतिज्ञ, गंभीर विचारक तथा सफल साहित्यकार भी थे। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जनता के प्रिय नेता थे। लोग उनसे भेंट करने के लिए घंटों सड़क के किनारे खड़े होकर इंतजार करते और तरह तरह के नारे लगाया करते थे। अब हम उनके प्रस्तुत गद्य के शीर्षक की बात करें तो जिनका नाम है भारत माता की जय। इस पाठ में पंडित नेहरू से मिलने के लिए आतुर कुछ लोगों की ऐसी ही भीड़ के बारे में स्वयं नेहरू जी ने बताया है, जो उनके सम्मान में भारत माता की जय के नारे लगा रही थी। अनपढ़ ग्रामीण लोग भारत माता की जय का नारा तो लगाते हैं, किंतु भारत माता के सच्चे स्वरूप तथा उनकी वत्सलता से अनजान है। उनकी इस अज्ञानता को लेखक के द्वारा दूर करके वास्तविकता से परिचित करने का प्रयास है। हम कहें तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि वे एक बार जवाहरलाल नेहरू रोहतक दिल्ली रोड की ओर से जा रहे थे। रात बहुत हो गई थी। वे बताते हैं कि हम तेजी से रोहतक दिल्ली रोड की ओर बढ़े, क्योंकि उस रात की हमें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे। नींद भी मुझे बुरी तरह घेर रही थी। यकानक हमें रुकना पड़ा। यकानक यानी अचानक से उन्हें रुक जाना पड़ा, क्योंकि बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी थी। जब वे रोहतक दिल्ली रोड की ओर आगे बढ़ रहे थे, उन्हें दिल्ली पहुंचकर गाड़ी पकड़नी थी, इसलिए वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। परंतु अचानक ही उन्हें बीच रास्ते में रुकना पड़ा, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो बीच सड़क पर आदमी और औरतों की भीड़ बैठी हुई थी। कुछ के हाथों में तो मसाले थी। मसाल यानी डंडे में चिथड़े लपेटकर बनाई हुई मोटी बत्ती, जिसे तेल से तर करके जलाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बीच राह पर सड़क पर वे लोग अपने हाथ में
मसाल लिए बैठे थे। वे आगे बढ़कर हमारे पास आए और जब उन्हें संतोष हो गया कि हम कौन हैं, तब उन्होंने बताया कि दोपहर से वहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रहे थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब हम गाड़ी से उतरकर बाहर आए तब वे सभी लोग हमारे पास आए। जब उन्होंने अच्छी तरह से हमको पहचान लिया और जब उन्हें संतोष हुआ कि हम ही लोग हैं, तब वे बताते हैं कि हमारे इंतजार में वे लोग दोपहर से उसी सड़क पर बैठे हुए हैं। वे सब हस्तपुष्ट जात थे। हस्तपुष्ट यानी तगड़ा, हट्टा कट्टा। वे सभी लोग हट्टे कट्टे आदमी थे। उनमें ज़्यादातर छोटे मोटे जमींदार थे, जमींदार यानी जमीन का मालिक। तो उनसे बिना थोड़ी बहुत बातचीत किए आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जब हम उनके सामने गए और उन्होंने हमें अच्छी तरह से पहचान लिया, तब उन्होंने बताया कि वे तो हमारे इंतजार में दोपहर से वहाँ पर बैठे हुए थे और हमने देखा कि वे सभी लोग हुष्ट-पुष्ट जाते थे और उनमें से कुछ लोग जमींदार थे। मैंने सोच लिया कि बिना कुछ मिले इन लोगों से बिना बातचीत किए मेरा वहाँ से जाना संभव नहीं था। हम बाहर आए और रात के धुंधलेपन में हजारों या इससे भी ज़्यादा जाट मर्दों और औरतों के बीच बैठ गए। जब उनसे मिले बिना जाना उन्हें मुमकिन नहीं लगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके पास जाते हैं, उनके बीच जाकर बैठ जाते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। उनमें से एक आदमी चिल्लाया, कौमी नारा और हजारों गले ने मिलकर जोश के साथ तीन बार चिल्लाकर कहा, वंदे मातरम, और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जैसे ही मैं उन लोगों के बीच गया और उनके साथ कुछ बात करने की इच्छा दिखाई, तब उनमें से किसी एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, कौमी नारा, और हजारों गलों ने मिलकर एक साथ तीन बार चिल्लाकर वंदे मातरम का नारा उचारा और फिर उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। इन नारों को सुनकर वे कहते हैं कि यह सब वंदे मातरम और भारत माता की जय किस लिए है, मैंने उन्हें पूछा। जब उन लोगों को इस तरह नारे लगाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा, तो वे उनसे पूछ बैठते हैं कि वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे किस लिए हैं। तब कुछ पेचीदा सवाल मानो पूछ लिया हो, उसी तरह कोई उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। उन लोगों में से किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। पहले उन्होंने मुझे घूर कर देखा और फिर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। वे आश्चर्यचकित हो गए, एक दूसरे की ओर देखने लगे। घूर कर यानी आंखें गड़ाकर एक दूसरे को देखने लगे कि हमें यह क्या प्रश्न पूछा गया है। दिखाई पड़ता था कि वे मेरे सवाल करने से बहुत कुछ परेशान हो उठे थे। मैंने सवाल को दोहराया, बोलिए ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खीन से हो रहे थे, यानी उदास हो रहे थे, चिंतित हो रहे थे कि ये लोग उनका उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए कि आखिर वे किसका नारा लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। परंतु जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया, उन लोगों को अधिक बोलने के लिए उत्साहित नहीं किया, इसीलिए वे सब लोग चुप हो गए। आगे वे कहते हैं कि यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं। मैंने फिर सवाल किया। जब कुछ कांग्रेस अधिकारी कार्यकर्ताओं ने उनका उत्तर देना चाहा, तो बीच में से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, उन्हें कोई प्रोत्साहित नहीं किया, इसीलिए वे बेचारे चुप ही रहे। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू उन जात मर्दों से सुनना चाहते थे कि आखिर वे भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो क्या उन्हें वास्तविक रूप में पता है कि वे किन लोगों का नारा लगा रहे हैं।
इस बात को जानने के लिए वे उन्हें पूछ रहे थे, परंतु जब उन लोगों से उन्हें कोई भी सवाल का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो वे फिर उन्हें उसी प्रश्न को दोहराकर पूछते हैं कि यह माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे आप लगा रहे हैं। वे कहते हैं कि मैंने उन्हें फिर से सवाल किया। वे फिर चुप हो गए और परेशान से हो रहे। ऐसे अजीब सवाल उनसे कभी नहीं किए गए थे, इसलिए उन्हें पता नहीं चल रहा था कि वे अब इनका क्या उत्तर दें। सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे नारे लगा देते थे। उन सब बातों के समझने की उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उजरा कैसे कर सकते थे? वे तो खूब जोर से पूरी ताकत लगाकर चिल्ला देते थे। बस नारा अच्छा होना चाहिए, इससे उन्हें खुशी होती थी और शायद इससे उनके प्रतिद्वंदियों को कुछ डर भी होता था। प्रतिद्वंदी यानी विरोधियों, विपक्षियों। प्रोत्साहन यानी उत्साह बढ़ाना। अजीब यानी अनोखा। उज्र और उनका विरोध करना। यहाँ हम कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन अनपढ़ ग्रामीण लोगों का परिचय देते हुए कहते हैं कि आज तक कभी उन्हें ऐसा कोई पेचीदा यानी कठिन सवाल पूछा ही नहीं गया था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि आखिर भारत माता कौन है, या तो वे उनके नारे लगा रहे हैं उनका क्या मतलब है। फिर वे सहज भाव से उन बातों को मान लेते थे। कभी उन्हें ऐसा प्रश्न किया भी नहीं गया था। जब उनसे नारे लगाने के लिए कहा जाता था, वे लोग ऊंचे स्वर में नारे लगा दिया करते थे। उन्होंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की थी कि वे किनके लिए इतने नारे उचार रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नारे लगाने के लिए कहने पर वे क्या करते थे, उनका विरोध ना करके नारे लगाया करते थे। और सिर्फ वे जानते थे कि नारे अच्छे होने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें आनंद भी होता था, परंतु उन लोगों ने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया था कि वे लोग जो नारे उचार रहे हैं वास्तव में उनका क्या अर्थ है। वास्तविक रूप में वे किनका उच्चारण कर रहे हैं, किनके लिए नारे उचार रहे हैं, उनके बारे में कभी उन्होंने जानने का प्रयत्न भी नहीं किया था। और उनके नारे उचारने का एक कारण यह भी था कि उनके प्रतिद्वंदी यानी उनके जो विरोधी थे उन पर भी उनका कुछ डर लगा रहता था, इसलिए वे सिर्फ नारे लगाया करते थे। तो उन लोगों के इस तरह से नारे उचारने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें प्रश्न पूछा था, परंतु उनका उत्तर वे अच्छी तरह से नहीं दे पाए, या तो उनका उत्तर उन्होंने पहले दिया ही नहीं। वे लोग एक दूसरे को सिर्फ घूरकर देखते रहे कि इनका उत्तर वे किस तरह से दे और कौन सा उत्तर दे, इसीलिए वे एक दूसरे के सामने देख रहे थे और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इनका उत्तर क्या हो सकता है। तो कुछ और जानने के लिए वे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अब भी मैंने अपना सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके उन आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला जाने वाली। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जब मुझे उन लोगों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो मैंने फिर उन्हें प्रश्न पूछा। तब उन लोगों में से किसी एक किसान ने आकर कहा कि भारत माता का मतलब धरती से है। वह बेचारा किसान था, धरती माता के प्रति उनका लगाव स्वाभाविक रूप ही था। वे सच्चे अर्थ में उनकी माता थी, उनकी रक्षा करने वाली और उनकी भला इच्छने वाली। इसीलिए वे भारत माता धरती माता को बताते हैं। तब उनसे कुछ और अधिक बात जानने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछते हैं, कौन सी धरती? मैंने फिर पूछ लिया, क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की, या कहे तो तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। जब उनसे कुछ और अधिक बात जानने के लिए
पंडित जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछते हैं कि कौन सी धरती, क्या आपकी, आपके गांव की धरती, पंजाब की या इस तमाम दुनिया की। मेरे इस सवाल से वे लोग और परेशान हो उठे। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि सबका मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी जानते नहीं हैं और सारी बातें समझना चाहते हैं। जब वे लोग मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो परेशान हो गए, चिंतित हो गए, गहरी सोच में पड़ गए और फिर चिल्लाकर कहने लगे कि अब आप इन सभी बातों का उत्तर आप ही दीजिए, कुछ जानते नहीं हैं और हमसे जानना चाहते हैं, सारी बातों को जानने के लिए तैयार हैं। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें वास्तविक परिस्थिति का परिचय कराते हैं कि वे लोग भारत माता की जय का नारा उचाते हैं तो सही मायने में वे किनका उच्चारण कर रहे हैं, उनका क्या अर्थ या तो उनका क्या मतलब है, इन सही बात को वे समझाने का प्रयत्न करते हैं। और वे कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। वे कहते हैं कि जब वे लोग मेरे इस तरह के सवाल से परेशान हो गए थे तब मैंने सोचा कि उन लोगों को, उन अनपढ़ ग्रामीण लोगों को भारत माता की वास्तविक बात को बताना बहुत ही जरूरी है। वे लोग इतने दिनों से चिल्ला चिल्ला कर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वास्तविक रूप में उनका क्या मतलब है, इसलिए वे उन्हें बताते हैं कि किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं और जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं, उन्हीं की सी मुश्किलें हैं और बोझ भी वैसे ही है, कुचलने वाली गरीबी और कई आफतें हैं। यहाँ पर हम कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन अनपढ़ ग्रामीण लोगों को भारत माता का परिचय देते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण तक किस तरह फैला हुआ है, जिनमें ऐसे कई राज्य हैं, कई ऐसे नगर हैं, कई ऐसे गांव हैं। इस पूरे महाद्वीप में हम कहें तो उन्हीं लोगों के जैसे कई जमींदार और किसान हैं, उन सब लोगों की एक जैसी ही समस्याएं हैं, उनकी ही एक जैसी ही मुश्किलें हैं और एक जैसी ही कुचलने वाली गरीबी है, साथ साथ कई ऐसी आपत्तियां भी हैं। यही महादेश हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है। वे कहते हैं कि यही हमारा हिंदुस्तान, हम सब भारतवासियों के लिए भारत माता है, जो इस भारत में रहते हैं और उसके बच्चे हैं। हम कहें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन अनपढ़ लोगों को समझाते हैं कि आप ही के जैसे इस देश में करोड़ों लोग हैं, उन सब की एक जैसी ही समस्याएं हैं, एक जैसी ही परिस्थितियां हैं। वे भी आप लोगों की तरह उनमें से कुछ लोग किसान हैं, जिनकी एक जैसी ही मुश्किलें हैं, जो हमारे इस पूरे देश में रहते हैं। और हिंदुस्तान उन सब के लिए भारत माता है, जिसमें जितने लोग रहते हैं वह हिंदुस्तान उनकी भारत माता है और हम सब उनके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर, बेबस यानी विवश, लाचार, असहाय यानी जिनको किसी की सहायता ना मिले, ऐसी कोई नारी नहीं है जिनके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीरों में दिखाया जाता है। हम लोगों ने अब तक चित्रों में या तो कल्पना की है कि भारत माता का स्वरूप कैसा है, वह किसी बेबस नारी के रूप में दिखाई देती है जिनके लंबे बाल है, परंतु हम लोगों ने अब तक चित्र में उनको इसी कल्पित रूप में देखा है, वास्तव में यह ऐसी कोई नारी नहीं है, परंतु यह हमारा पूरा भारत देश, हमारी भारत माता है,
जिसमें हम सब लोग रहते हैं, इसीलिए वे हम सब की भारत माता है। और हम जो नारे उचार रहे हैं वे हम सब के लिए नारे उचार रहे हैं। इस तरह का वास्तविक ज्ञान पंडित नेहरू उन अनपढ़ ग्रामीण लोगों को देते हैं। तो आगे वे समझाते हैं कि हम लोग अब तक कल्पित चित्रों में जिस नारी का चित्र देखते हैं वे तो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में उनका चित्र है, परंतु वास्तविक रूप में भारत माता कोई बेबस नारी नहीं है। वे तो हमारा पूरा हिंदुस्तान है जो हमारी माता के रूप में है और हम सब उनके बच्चे हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत की जय या तो भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली, इनके बारे में आप जानते हैं, उस कल्पित स्त्री की नहीं जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू उन लोगों को पूछते हैं कि जब आपने भारत माता की जय के नारे को उचारा तब क्या आपने इस जय को बोलकर किसकी जय बोली है, उस कल्पित स्त्री की जय बोली है? तो वे कहते हैं कि नहीं, ऐसी स्त्री कहीं पर भी नहीं है, वे तो सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है। तो वे कहते हैं कि तब क्या हमने यह जय पूरे हिंदुस्तान की बोली है, उनके पहाड़ों, उनमें नगरों, नदियाँ, रेगिस्तान, बड़े बड़े पेड़, पत्थर, ये सभी है, क्या हमने उनकी जय बोली है? तो इस बात को अधिक समझाते हुए आगे वे कहते हैं कि नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, हमने सिर्फ उनकी ही जय नहीं बोली। लेकिन कोई ठीक उत्तर भी न दे सके, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे उन्हें समझाते हैं कि निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया। जब वे लोग सही उत्तर अंत में भी नहीं दे पाए तब पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बताते हैं कि क्या हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो हमारी कल्पनाओं में भारत माता की तस्वीर बसी है? तो वे कहते हैं कि नहीं। तब वे कहते हैं कि क्या हम उन नगर, पहाड़, रेगिस्तान जो हिंदुस्तान में है उनकी जय बोलते हैं? तब भी वे लोग कहते हैं नहीं, और उनके आगे भी ठीक उत्तर नहीं दे पाए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हें बताते हैं कि निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो हमारे भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो इस गांव में और नगर में बसते हैं। पंडित नेहरू कहते हैं कि मैंने उन लोगों को बताया कि हम जय उन भारतवासियों की बोलते हैं। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक भी है। जब पंडित नेहरू ने उन्हें भारत माता की जय का वास्तविक मतलब या तो उनका अर्थ समझाया कि जब हम भारत माता की जय के नारे उचारते हैं तो हम खुद की जय बोलते हैं, क्योंकि हम इसी भारत में रहते हैं, इस पूरे भारत में जितने लोग रहते हैं हम उन सब की जय बोलते हैं, हम खुद अपनी भी जय बोलते हैं, इस तरह हम पूरे भारत माता की जय बोलते हैं जो इस पूरे हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरा उत्तर सुनकर उन लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्हें मेरा उत्तर उचित भी लगा। आगे वे कहते हैं कि ये आदमी कौन है, निश्चय ही आप और आपके भाई। पंडित नेहरू कहते हैं कि जब मैंने उन लोगों को भारत माता का मतलब समझाया फिर मैंने उन्हें पूछा कि यह लोग या तो यह आदमी कौन है, निश्चय ही आप और आपके भाई, इसीलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही हैं और यह आप अपनी ही जय बोलते हैं। यही सच्चा ज्ञान पंडित नेहरू ने उन ग्रामीण लोगों को, जमींदारों को या तो किसानों को कराया कि आप जब भारत माता की जय बोलते हैं तो याद रखिए आप खुद की ही जय बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान भर के भारतवासियों की जय बोलते हैं। तब ध्यान से उन्होंने इस बात को सुना, प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके बोले भाले चेहरों पर दिखाई देती है। यहाँ हम कहें तो उज्जवल यानी स्वच्छ, खिली हुई। वे
जब मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे थे, समझ रहे थे, तब प्रकाश की उज्जवल रेखा उन भोले भाले चेहरों पर एक तरह से अलग ही दिख रही थी। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था कि वह नारा जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे थे उन्हीं के लिए था। पंडित नेहरू कहते हैं कि मेरा उत्तर उन लोगों के लिए विचित्र था। यह ज्ञान, यह अनुभव उन लोगों के लिए बहुत ही अलग था, क्योंकि जब तक इतने दिनों से वे लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, वे उन्हीं के लिए थे। वे खुद अपनी ही जय बोल रहे थे। इस बात को समझकर वे लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए और वे कहते हैं कि हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए वे जय बोल रहे थे, यह उन्हीं की जय थी। तब पंडित नेहरू उन्हें बताते हैं कि अब तक आप लोग जो भारत माता के जय के नारे लगा रहे थे, वे आप ही के गांव के किसान लोगों की ही जय थी, आप ही की ही जय थी। इसीलिए आगे वे उन्हें कहते हैं कि तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारते हैं भारत माता की जय, यानी हम सब की जय के नारे लगाते हैं। और जब पंडित नेहरू ने उन्हें इस तरह नारे लगाने के लिए कहा, उनका वास्तविक मतलब समझाया कि वे खुद की ही जय बोल रहे हैं और साथ साथ इस पूरे भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों की जय बोल रहे हैं, जो उन्हीं के जैसे हैं, उन्हीं की तरह इस पूरे भारत में रहते हैं, जो उन्हीं की तरह जमींदार और किसान है। तो वे प्रसन्न होकर पंडित नेहरू की बात सुनकर फिर से भारत माता की जय के नारे उचारने लग जाते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही प्रसन्नता और खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। उनकी खुशी देखकर पंडित नेहरू ने महसूस किया, यानी अनुभव किया कि अब वे लोग सच्चे अर्थ में या तो सही मायने में भारत माता की जय के नारे का मतलब समझ गए हैं। तो इस तरह विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जवाहरलाल नेहरू के इस तरह के एक दिन के अनुभव को देखा। उन्होंने उन ग्रामीण जात औरत और मर्दों को वास्तविक रूप में भारत माता का परिचय दिया। भारत माता की जय के नारे का सही अर्थ में मतलब समझाया। इस तरह इस पाठ से हम कहें तो हमने भी सच्चे अर्थ में जाना कि हम भारत माता की जय के नारे उचारते हैं तो वास्तव में हम किन की जय उचारते हैं। हम भी जब भारत माता की जय के नारे उचारते हैं तो अपनी खुद की जय का उच्चारण करते हैं, या तो साथ साथ पूरे भारत में रहने वाले उन भारतवासियों की जय के नारे उचारते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। इस गद्य की समझौती के आधारित आप इस गद्य के स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। नमस्ते, थैंक यू।